ये चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का हंगामा है। अलग अलग माध्यमों के इन पत्रकारों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है। दरवाजे के बाहर एक पुलिस अधिकारी निगरानी भी कर रहा है ताकि कोई भी पत्रकार बाहर नहीं निकल सके। पत्रकार दरवाजा पीटते रहे लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल कल जब सीएम मोदी मुरादाबाद के सरकारी अस्पतालों का दौरा करने वाले थे उससे ठीक पहले डीएम राकेश कुमार सिंह ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दर्जनों मीडिया कर्मियों को बंद करवा दिया। आरोप है कि डीएम राकेश कुमार सिंह ने दर्जनों पत्रकारों को इसलिए बंद करवा दिया ताकि सेवाओं में कमी और खामियों को लेकर पत्रकार मुख्यमंत्री से सवाल न पूछ सके। सीएम योगी जब अस्पताल का दौरा कर वापस लौट गए तब जाकर इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और पत्रकार बाहर निकल सके। खुद डीएम ने इमरजेंसी वार्ड का गेट खोला जिसके बाद काफी देर तक पत्रकारों ने जमकर हंगामा किया। सीएम योगी के सामने पोल खुलने के डर से और खामियों को छुपाने के लिए जिला प्रशासन ने जो कदम उठाया वो बेहद ही शर्मनाक और अपमानजनक है। उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।